एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। क्या कर रहे हो एंटोन? जो लेटर काटे गए थे उसे सजा कर वर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो लेकिन कोई वर्ड भले ही नहीं मिले, मगर ये तो पता चलेगा कि आखिर वो किस तरह का वर्ड बनाना चाह रहा था। वेरी गुड एंटोन, लगे रहो। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा लॉजिक और इरादा कह रहा है कि हिम्मत नहीं हारो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये? बात क्या है? सर, आपने जैसे कहा था वैसे हम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जेमेटिन को लेके आए हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक रशियन ऑफिसर के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? ये गलत है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? तुम्हारा कभी किसी ऑफिसर से सामना नहीं हुआ है क्या? सर, आपकी इजाजत हो तो मैं इसे ठीक से समझा दूं। नहीं, इसे हम कल सुबह बात करेंगे। सर, आपके लिए एक लेटर आया है, इस कमीने की वजह से बताना भूल गया था। कल दोपहर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, याकूब प्लैटिनम। मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर डिटेक्टिव। हाँ बोलिए, क्या बात है? एक एक्सीडेंट हो गया है, मेरे वार्डन मर गए हैं, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। ये रहा। लगता है गर्दन टूट गई है। ये रहा सर, लगता है इसकी गर्दन टूट गई है। अजीब बात है, पहले नौकरानी और अब ये। हाथों की उंगलियां टूट गई हैं। अजीब बात है, कोई ऊपर से गिरता है तो हाथ पैर टूटते हैं मगर उंगलियां। शायद गिरते समय उसने पकड़ने की कोशिश की होगी, या गिरने से पहले किया गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हैं। हाँ मैं ठीक हूं। आपने इस बारे में पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? मुझे एक घंटा पहले ही पता चला। मतलब आपको पता नहीं कि वो कब गिरे? मैं पार्क में घूमने गई थी, जब पार्क से लौट कर आई तो ये सब हुआ था। क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ? क्या इनके पैरों में बैलेंस की प्रॉब्लम थी? क्या इनके साथ पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है? जी नहीं, वो बहुत तंदुरुस्त थे। तुम उनसे नफरत करती हो क्या? जी नहीं। तुम्हारी नौकरानी तात्याना उनके साथ इनका बर्ताव कैसा था? बस नॉर्मल था, जैसा मालिक और नौकरों में होता है। और तुम्हारे साथ? जब मैं 12 साल की थी तो वो मुझे अपने घर लाए थे। इस घर में क्या कोई और भी काम करता है? फिलहाल तो सिर्फ वो नौकरानी ही थी। और उसके पहले? एक सेक्रेटरी था, लेकिन बायोडिन ने उसे निकाल और दिया। कब? 6 महीने पहले वो मकाओ चला गया। क्या तुम्हें पता है कि उसे क्यों निकाला गया था? किसी ने मुझे बताया नहीं। हम्म।
एक्सक्यूज मी, क्या कोई घर पर है? बताया है ना, मैंने अंधेरे में भी उसका पीछा किया, सामान उठाकर उसकी तरफ मारा, मगर उसके बाद जानती हो क्या हुआ? उसने छलांग मारी और वो भाग गया। क्या आपकी पोलिना ने आपको सुचकुआ के घर जाकर तोड़फोड़ करने के लिए बोला था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी के घर में तोड़फोड़ करने के मकसद से नहीं गया था। और मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बोलेगी? मैंने सोचा डील कर लेता हूँ उस सुचकुआ से। क्या सुचकुआ का हस्बैंड पोलिना को किसी लेटर के लिए ब्लैकमेल करता था? एग्जैक्टली। जब आप वहां गए तो वो घर में ही थे। और कहां रहेंगे? वो अजनबी लेटर ढूंढने आया था, हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि उसे वो मिला या नहीं मिला। ऐसा लगता है पोलिना बायोडीना के घर में रहती है, और मेरे ख्याल से बायोडीना वही है जिसकी नौकरानी लापता हुई है ना? बिल्कुल सही कहा। उन्हें पता होना चाहिए वो मर चुकी है। बिल्कुल। घटनाओं की चेन इंटरेस्टिंग बन रही है। कहना क्या चाहती हो? आपको समझ में नहीं आया? आपकी पोलिना के ब्लैकमेलिंग और तात्याना की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो किसी तरह के फ्रॉड में शामिल नहीं हो सकती है। वो उस तरह की नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो विक्टिम है। अंकल, आपके विक्टिम काफी कमजोर स्थिति में है। कमजोर स्थिति में तो वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन परेशानी में जरूर है। अगर कोई लड़की मुझे परेशान दिख जाए तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता हूं। अब सब क्लियर हो गया है। प्रिंस एना का और एना प्रिंस की हो गई है। अब हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। तुम बहुत रूड हो, माय डियर जेकब। एक पुलिस वाले से तुम्हें ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए नीना। सीधे चलो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, रुकना नहीं। जल्दी, हाँ, मिस्टर ब्राउन, अरे बाप रे, आराम से संभल कर खींचो। आराम से। अरे बाप रे, मिस्टर ब्राउन, जल्दी करो, मिस्टर ब्राउन, आंखें खोलिए, आप ठीक तो है ना, मिस्टर ब्राउन, जल्दी करो, इन्हें यहां से ले जाना होगा, जल्दी करो, कम ऑन। जल्दी से दरवाजा खोल दो। स्टॉप, कौन हो तुम लोग? खोलो, तुम्हारे मालिक मर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी करो। आ,
कहीं ये कोई सपना तो नहीं? जी नहीं, आप अपने घर में हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम मुझसे मिलने यहाँ आई? नहीं, आप मुझे जंगल में मिले थे। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? बताया ना, आप जंगल में मिले। आप वहाँ क्या करने गए थे? पानी लाओ। दरअसल मैं वहाँ जंगल में फंस गया था। पर आप वहाँ क्या करने गए थे? आई ट्राई टू टेक प्रोब। पानी पीजिए आराम से। हाँ हाँ, मैं समझ गई। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बताया था ना। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ, मैं मिस्टर ब्राउन के पास हूँ। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सो जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। हेलो। हेलो, आपकी क्या मदद करूं? मैं मिस्टर बायोडीन से बात करना चाहती थी लापता नौकरानी के बारे में। वो तो मर गई है। क्या, कब? आपको इससे क्या मतलब? एक्सक्यूज़ मी, शायद आप पोलिना हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मेरे पास तात्याना से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन्स हैं। अंदर आ जाओ। प्लीज आ जाओ। मैं पेत्र मेरानोवा की भतीजी हूँ। मैं जानती हूँ तुमने इसके बारे में उनसे हेल्प मांगी थी कि तुम्हारी लापता नौकरानी के साथ क्या हुआ था। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से उसने तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ज्वेलरी और पैसे घर से लिए थे, पर उसे ले जाने का मौका नहीं मिला। और उसने वो सारा सामान कहाँ छुपाया है, मैं वो जगह तुम्हें बता सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे अंकल ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? नहीं, वो मुझे कुछ कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर के रूम्स और गार्डन देखना चाहती हूँ अभी। जैसा तुम चाहो। मैं यहीं से शुरू करूँगी, लेकिन मैं ये काम अकेले करना चाहती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। आओ तात्याना मोल्चनोवा की आत्मा, आओ आओ। तानिया, क्या यही तुम्हारा घर है? नहीं, ये तो उस बूढ़े का घर है। बूढ़ा बायोडीन? शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या बक रही हो? इसे जाने दो। मुझे बताओ, क्या सुशकोफ तुम्हें ब्लैकमेल करता था? खामोश हो जाओ। वो भुगतेगा। कुछ भी मत बताना। उसे भुगतना होगा, उसे इसके लिए भुगतना होगा। तुम सुशकोव हो ना? मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। इसके लिए उसे भुगतना होगा। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे जाने दो। मुझे घर जाना है, इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। वो भुगतेगा, वो भुगतेगा। मुझे जाने दो। उसे भुगतना होगा। मुझे घर जाना है, इसका अंजाम भुगतना होगा। मुझे जाने दो। कुछ भी, वो भुगतेगा। डॉक्टर मिल्फ, आप कैसे हैं? ओह हेलो याकूब लाडोनोविच। तो कोई जानकारी मिली? कुछ नहीं, इसकी गर्दन टूटी हुई है जो इसकी मौत की वजह है। इसकी उंगलियां भी टूटी हुई है। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की थी। इसकी उंगलियां अलग हो चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें नोच लिया हो। जब कोई गिरता है तो ऐसा नहीं होता है। इनका किसी से झगड़ा हुआ और उसी आदमी ने इनको धक्का दिया होगा। पता नहीं, हो भी सकता है।
क्या तुम सुचकोव के बारे में नहीं जानना चाहते? क्या वो मर गया? हाँ। पर कब? हाँ, नर्स को वो सुबह मिला, मुझे लगता है लगभग शायद 11 से दोपहर 1 के करीब। क्या कोई इसे मिलने के लिए आया था? हाँ, उसकी वाइफ, वो आधी रात के बाद वहीं रुकी। लगता है सुचको उसे अपने राज बताता था। हमें पहले इस बात का पता लगाना है कि वो किसकी गोली से मरा होगा। जरा इस पर नजर डालो। लेकिन ये तो किसी रिवॉल्वर की नहीं लग रही है। मुझे माफ करना, मेरे पास यही है। ये एक अंग्रेजी कार्ट्रिज लगती है शॉटगन के लिए। हाँ, लेकिन लेफ्टिनेंट अपनी रिवॉल्वर से शूट कर रहा था। मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द बायोडीन के घर की तलाशी लेनी होगी। मुझे यकीन है तानिया मोल्चानोवा की बॉडी वहीं पर है। क्या तुम्हें कुछ और कोई सबूत मिला है? हाँ, मैं बायोडीन के घर गई थी, तानिया वहीं है। और पता है सुशकोव इससे बहुत अनोखे तरीके से जुड़ा हुआ है। वैसे तुम्हें पता है वो मर चुका है। हाँ, लेकिन इससे कुछ भी सुलझने वाला नहीं है ना। क्या बायोडीन की मौत भी एक हादसे से हुई है? हाँ, पर सीढ़ियों से गिरना किसी के कत्ल का सबूत तो नहीं हो सकता ना, है ना? तुम्हें नहीं लगता ये सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, मुझे पता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं जल्दी में हूँ। मुझे माफ करना साहब, कल मैंने बहुत पी हुई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे आस पड़ोस से तुम्हारे बारे में कितनी सारी शिकायतें आ रही हैं? तुम हमेशा अपने घर के बैकयार्ड में जाकर शूट करते हो। मेरे पास जो रिवॉल्वर है वो मुझे इनाम में मिली है, तो मैं उससे शूट क्यों नहीं करूंगा? मैं जरा उसे चलाने की प्रैक्टिस करता हूँ। क्या कहा, प्रैक्टिस? तुमने एक आदमी को मार डाला। वो मैं नहीं था, कल सुबह मैं शूट कर रहा था, ये सच है, लेकिन मैंने वहां किसी और को भी शूट करते हुए सुना। तो तुमने किसी को शूट करते हुए सुना? आप बैठ जाइए। वो दूसरी आवाज शॉटगन की थी। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि आखिर वो शूट किसने किया, इसलिए मैं देखने के लिए बाहर आया तो आगे बोलो। मैंने देखा एक जवान आदमी ठीक मेरे घर के सामने की एक झाड़ी से बाहर निकला। उसने काफी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक चीज जैसी थी, एक बैग जैसा। तुम उसे क्या पहचान सकते हो? अगर मुझे दिखेगा तो शायद पहचान लूं। कल रात के लिए मुझे माफ करना साहब, बाकी के टाइम में मैं शांत रहता हूँ। दोबारा कभी अपने बैकयार्ड में फायरिंग मत करना, तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर। लगता है उसे सुशकूफ की वाइफ ने ही मारा था, वो हॉस्पिटल से उसकी मौत के आसपास ही निकली थी। डॉक्टर मिल्स ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। उसकी बॉडी पर मारपीट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं, पर सुशकूफ के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ी। घाव पर दबाव और गोली का हिलना, उसने ऐसा किया क्यों होगा? उसे यहां पर बुलाओ और उसी से पूछो। किसी ऑफिसर को भेज देना। ठीक है। येवग्राशिन, जी कहिए सर। हमारे पुराने केसों में नकली मूंछ, दाढ़ी और पंख थे या नहीं थे ये पता करो, और अगर थे तो उन सारी चीजों को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, और साथ में सारी केसेस की फाइल भी लेकर आना। जी सर, पता करता हूँ। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं मानता। ये सब उस घर के आसपास केंद्रित था। मैंने तानिया को पुकारा, लेकिन सुशकोव और बायोडीन भी आ गए और उन्होंने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। लेकिन पॉलीना क्यों?
वो तो बस उस घर में रहती नहीं, है। वो सिर्फ वहाँ रहती नहीं है, वो पोलिना ही है जो सारे शैतानों का स्रोत है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे कत्ल उससे जुड़े हुए हैं और वो सारे कत्ल उसकी वजह से ही हुए हैं। तुम उसे पसंद नहीं करती हो ना, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। ओ, तो आपको ऐसा लगता है। I'm sorry. दरअसल मैं सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बीना, क्या तुम्हारे कहने का मतलब था लेडीज? हाँ, अब मुझे बताइए कि मैं तानिया से अपने सवालों के जवाब कैसे मांगूं? तुम उसकी आत्मा को बुलाओगी? तो खास तौर से ये कहना कि तुम आओ और कोई नहीं। आओ तात्याना की आत्मा, आओ आओ तात्याना की आत्मा, आओ और प्लीज इस बार अकेली आना। तानिया, तानिया मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हारी कब्र नहीं ढूंढेगा। मम्मी पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। बताओ तुम्हें कहाँ ढूंढना है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को वहां पर लेकर आऊंगी। उस बेरहम इंसान के घर में। घर में किस जगह, कहाँ पर, मैं खुद देखूंगी। उस घर में। आखिर कहाँ? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जिस वक्त आपके पति की मौत हुई थी उसी वक्त आप वहां से निकली थी, इसलिए। मुझे याद नहीं मैं कब गई थी। देखिए ऐसा है, आधी रात को एक नर्स ने तुम्हें वहां पर जाते हुए देखा था और तभी तुम्हारे पति की मौत भी हुई थी। क्या कहेंगे आप? लगभग जब मैं गई तो वो उस वक्त जिंदा थे, वो उस वक्त सोए हुए थे, मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती थी। आपको अरेस्ट किया जाता है इस कत्ल में शक की बिना पर। युगराशन, आपने बुलाया सर? इन्हें हिरासत में ले लो। ओके सर, ले जाता हूं, आइए मेरे साथ। विक्टोरिया, अच्छा हुआ तुम यहां पर आ गई। सच में? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे खुशी मिलती है। तुम ड्रिंक कर रहे थे? नहीं, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम यहां बैठ सकती हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम ड्रिंक लेना चाहोगी। तुम जरूर यहां किसी काम से आई होगी, बताओ क्या बात है? हाँ, बायोडीन के घर पे छानबीन करना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है उस लड़की की बॉडी वहीं पर है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन ले लेता हूँ। अच्छा, ये सब क्या है? तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो? हाँ, ये अच्छा सवाल है ना। इन तमाम दाढ़ी मूछों को बनाने वाला एक ही आदमी है, ये बड़े इत्तेफाक की बात है। और वो आदमी है हमारा हेयर ड्रेसर प्रखोर क्वाटोव। और प्रखोर क्वाटोव बिना किसी सवाल किए अपने क्लाइंट्स के लिए इस तरह की दाढ़ी मूछे बनाया करता था जब भी वो बनाने को कहते थे। और हमारे पास एनएस पेपर को ध्यान से देखो,
और ये दाढ़ी उस प्लम्बर की है जो उस रात को उसके पास आया था। मुझे लग रहा है कि इससे हमें केस सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। लगता है उसने उसे किडनैप किया था। हो सकता है कि भागने में मदद की हो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं छानबीन के दौरान वहां रह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल है ना, तुम साथ में आ सकती हो। थैंक यू। तो फिर ठीक है, हम कल मिलते हैं। जरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। मिस्टर क्वाटोव। ओ, आपका स्वागत है याकोब प्लाटोनोविच। आइए, आपको क्या करना है, हेयर कटिंग, शेविंग? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ बोलिए हुजूर। तुम्हारी कलाकारी के नमूने हाल फिलहाल में काफी केसेस में मुझे मिले हैं। तुम ये सब कब बंद करोगे, या सिबेरिया ही बंद करेगा? बंद करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? तुम नकली दाढ़ी और मूंछ बनाते हो। हाँ ये तो बस एक साइड जॉब है साहब, आप चाहे तो आकर तसल्ली कर लें, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि उन्हें किस लिए चाहिए होती। तुम्हारा नाम अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो, उसके पहले मुझे बताओ कि तुमने ये किसके लिए बनाई थी। मैं कैसे बता सकता हूँ साहब? क्या बकवास कर रहे हो, ध्यान से देखो, ये तुमने ही बनाया है। तुम इसे पहचान सकते हो, पिछले महीने तुमने ये सब बनाया था। अब मुझे सच बताओ। वो तो एक जवान आदमी था साहब, मुझे उसने अपना नाम नहीं बताया, बाद में मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। तुम सच कह रहे हो? उस लेफ्टिनेंट के मुताबिक एक जवान लड़का इन पेड़ों के पीछे से बाहर आया। हो सकता है कि सुशकोव ने यहीं से शूट किया। जी हाँ। बॉडी की पोजीशन और घाव से ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। तो कातिल ने उसी वक्त शूट किया जिस वक्त लेफ्टिनेंट की गन भी चली थी, है ना? अंग्रेजी बुलेट है। याकोब प्लाटोनोविच, आप मुझे सरप्राइज कर देने में पीछे नहीं हटते। देखिए, मेरा मानना है कि ये कातिल के कम अनुभव की निशानी है, अगर मैं होता तो इसे अपने साथ लेके चला जाता। शहर में इस तरह की तीन बंदूकें हैं एंटोन एंड्रेविच, जिनमें से एक बंदूक बायोडीन के पास है। आपने काफी जानकारी इकट्ठा की है। अब आगे क्या करना है याकोब प्लाटोनोविच? लेकिन शूटर तो एक जवान आदमी था। एक सेक्रेटरी बायोडीन के पास काम करता था, जिसे कुछ दिन पहले जॉब से निकाल दिया गया था। तो बायोडीन ने उस पर हत्या का आरोप लगाया और उसे अपनी गन दे दी। क्रिमिनल इसे बायोडीन की जानकारी के बिना भी कर सकता था एंटोन एंड्रेविच। उसने मुझे एक नोट भेजा है। क्या? मुझे इनविटेशन मिला है, मैं उसके साथ पार्क में जाऊंगा। शायद आप उसके घर गए थे तो वो उसका रिजल्ट जानना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी तरह खुद को साबित करना होगा। नहीं नहीं, सुशकोव से पूछने का कोई फायदा नहीं है, और मैं आपके साथ आ रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, और इस बारे में सोचना भी मत। नहीं नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर ये वाकई में ब्लैकमेल था तो कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा था? जल्द ही पता चल जाएगा। मैं बायोडीन के पास जा रहा हूँ, तुम कांस्टेबल को लो और उस शूटर को ढूंढने की कोशिश करो। जो भी उस घर में हमें मिलेगा उससे हमें काफी मदद मिलने वाली। तो फिर उस पोलीना का क्या? एंटोन, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस केस का बहुत अहम हिस्सा है। कमाल है, ये सब तो ऐसा लगता है जैसे घूमता हुआ पत्थर मानो क्राइम के हिमस्खलन की वजह बना हो। वो आपके लिए कहाँ इंतजार कर रही होगी? पार्क के अंत में दाहिनी तरफ। मुझे तो हैरानी हो रही है कि उसने मिलने के लिए ऐसी जगह क्यों बुलाया। हो सकता है उसे इस बात का डर हो कि कोई उसे देख ना ले और फिर बायोडीन को बता दे। हाँ लेकिन बायोडीन जा चुका है।
बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तलाशी लेनी है। कहाँ है आपकी पोलिना? शायद लेट हो गई है। बायोडीन की वसीयत कहां पर रखी है? उनके अलमारी में होगी। क्या आप उनकी इकलौती वारिस हैं? मुझे नहीं पता। प्लीज, आपको अच्छे से पता है और आपने ये सब कुछ किया है। आपके कहने का क्या मतलब है? इसकी चाबी कहां पर है? मुझे नहीं पता। यवग्रशिन, सारी अलमारियों को चेक करो और साथ ही इनके रूम की अलमारियों को भी चेक करना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम की तलाशी लेने की? इस वक्त आप ब्लैकमेल और कत्ल के लिए शक के दायरे में हैं। ये बात गलत है। तुमने ये सब कुछ कैसे किया? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। तो मैं बताता हूँ। सुशको पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसे उस मोलोफ के लव लेटर्स मिल गए थे। उसे पता चल गया कि मिस्टर बायोडीन कम उम्र की नौकरानी तात्याना का लगातार शोषण कर रहे थे और इसी बात के लिए आप उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, है ना? ये रही चाबी सर। तो खोलो उसे। जी सर। सब कुछ तुम्हारे नाम कर देने के लिए तुमने बायोडीन पर लगातार दबाव डाला और उसके बाद ये सब सुशकोव को पता चल गया और उसने तुम्हें लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी बीच में ओस्मोलोव आ गया और सुशकोव ने उसे जानबूझकर गोली मार दी। याको सर, ये रही वसीयत। मैं बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। जायदाद तुम्हारे नाम कर दी गई है और इसको पाने के लिए तुम्हारा प्रेमी मौका देखकर एक दिन घर में आता है, बायोडीन को धक्का देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्या कहोगी तुम? सुशको मुझे ब्लैकमेल किया करता था। वसीयत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मुझे नहीं पता सुशको को किसने शूट किया और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अंकल को किसने धक्का दिया, समझे? मैं मिस्टर मिरोनोवा के साथ पार्क में घूम रही थी और अंकल ने मेरे नाम सब कुछ किया है तो उन्हें यही सही लगा होगा। बाकी सब झूठ है, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। सच तो हम पता लगा ही लेंगे, ये केस अभी बंद नहीं हुआ। याको प्लैटनविच। एना विक्टोरोना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अंकल और मैं अभी मरने ही वाले थे, उसने हमें शूट किया। अंकल उस शूटर को नहीं पकड़ पाए। अब सब ठीक है, कांस्टेबल आसपास उसका पीछा कर रहे हैं। एना, तुम ठीक हो ना? मैं जिंदा हूँ, तुम देख सकती हो। तुम आई क्यों नहीं? कहाँ? क्या मतलब? तुमने मेरे अंकल को एक नोट भेजा था। मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं। सच में मैं यही उम्मीद कर रही थी कि तुम यही कहोगी। मिरोनोव के बारे में तुम क्या जानती हो, बोलो। सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपके आरोपों को नकारती हूँ। याको प्लैटनविच, क्या मुझे यहाँ 2 मिनट के लिए शांति मिल सकती है, प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। आओ तात्याना की आत्मा, आओ। देखिए, मैं इन चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं जा रही हूँ। आओ तात्याना की आत्मा, आओ। आओ तात्याना की आत्मा, आओ प्लीज। तुम नहीं चाहती उन लोगों को सजा मिले, प्लीज तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो।
आओ। पता है तुम अब भी जिंदा क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा पति भी जिंदा है। इसलिए मैं चूक गया। अगर उसने मौत के सामने कन्फेस करने का फैसला कर दिया तो क्या होगा? मैं वहां उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम पहुंच सकती हो। उसे जाने में मदद करो और तुम जिंदा रहोगी। ये लेटर्स सुशकोव ने इन्हें छुपा दिया था जब एक गन वाले आदमी ने उसे धमकाया। ओस्मोलोव, डार्लिंग, मुझे गुलामी से आजाद करने का एक रास्ता है। मुझे पता है नौकरानी भागी नहीं थी, वो हमेशा इसी घर में रही। मुझे पता है ये सच है। मेरे अंकल कोई वसीयत साइन नहीं करेंगे जो मैंने उन्हें करने को कही। जल्दी आना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आपकी पोलिना। पोलिना, इस लेटर का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बताओगी? मुझे नहीं पता, मैंने इसे भावनाओं में बहकर लिखा होगा। एना विक्टोरोना, यहाँ पर देखो। तुम जरा पीछे आओ। वो यही है। याकूब प्लाटोनोविच, जरा देखिए। बायोडीन ने ही उसे मारा। क्या तुमने उसे बॉडी छुपाते हुए देखा था? तुम्हारे लेटर से ये सब कुछ साफ होता है, और ये सारे सबूत कोर्ट में काम में आने वाले हैं। क्राइम को बढ़ावा देने और ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। इसे अरेस्ट कर लो। यस सर, तुम यहीं रुको, मेरे साथ अंदर आओ। मैं अब और यहां नहीं रुक सकती। बायोडिन एक बूढ़ा अय्याश था, उसने मुझे हायर किया। पोलिना को मैं पहले से जानता था,
लेकिन मैं कभी एक बार भी नहीं समझ पाया कि उसके घर की वास्तविक स्थिति क्या है। उसने आपको अपने बारे में बताया था? हाँ सर, जब हम वहाँ पर शामिल हुए थे मैं जानकर बड़ा हैरान हुआ कि बायोडीन तब से उसका शोषण कर रहा था जब वो 12 साल की थी, एक छोटी सी बच्ची थी, और फिर तादियाना को भी। और आपके कहने का मतलब है कि वो मौत के लायक नहीं था? लेकिन इससे तुम्हें किसी को न्याय देने का या फिर किसी को सजा देने का अधिकार तो नहीं मिल जाता ना, इसीलिए बायोडीन ने तुम्हें निकाला था। हाँ, जब उसने पोलिना और मुझे साथ में देखा, मैं मॉस्को चला गया, तब पोलिना ने मेरे लिए तातियाना के बारे में लेटर लिखा कि बायोडीन उसके लिए भी वही कर रहा है। फिर वो गायब हो गई। सुचकोव ने हमारे लेटर्स रोक दिए और हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उसे खत्म करने का सुझाव दिया, ये मेरा आइडिया था। लेफ्टिनेंट को बैकयार्ड में जाकर शूट करने की आदत थी और तुम जानते थे कि सुचकोव वहां से निकलता था। हाँ, मैं यहाँ मॉस्को से आया, बाकी तुम जानते हो। एक बात समझ में नहीं आई, मिरोनोव पर गोली क्यों चलाई तुमने? पोलिना ने कहा था कि मिरोनोव उसकी मदद करना चाहता था। उसे कैसे पता चला कि तातनिया मर चुकी है? कैसे पता चला? फिर उसके बाद उसकी भतीजी पोलिना के पास आई, उसने अजीब बर्ताव किया। मैंने सोचा कि बाकी वो खुद पता कर लेंगे। क्या मैं पोलिना से मिल सकता हूं? डबल इंटरोगेशन के वक्त ही मिल पाओगे। बिना बताए यहाँ आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ एना, तुम काफी दूर चली आई हो। एलिस के गायब होने के पीछे शायद कुछ नए हालात हैं। प्लीज बैठो याकूब प्लैटोनोविच। थैंक यू। एना, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उन बालों के गुच्छों के बारे में कुछ बताया था? वो नकली दाढ़ी जिसे प्लम्बर ने पहनी थी जो उससे मिलने के लिए आया था। हाँ। वो दाढ़ी डॉक्टर मिल्स के असिस्टेंट ने मंगवाई थी। असिस्टेंट? एक प्लम्बर? इसका क्या मतलब है? मतलब शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि डॉक्टर मिल्स के असिस्टेंट ने नकली दाढ़ी पहनी और एलिस से मिलने के लिए उसके पास आ गया। डॉक्टर मिल्स ने एलिस को किडनैप किया? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, ये थोड़ी सी अजीब बात है, पर इसका जिक्र किसी से मत करना है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं डॉक्टर मिल्स को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से जरूर अपने अंकल को थैंक्स बोलना, उस मुलुफ को पकड़ने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। वो बहुत दिलेर है। वो वाकई में बहुत दिलेर है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? प्रिंस को मैंने क्या कहा तुम्हें नहीं जानना? वैसे ये तुम्हारा निजी मामला है। बाय द वे, तुमने प्रिंस से क्या कहा? मैंने कहा मैं इस बारे में सोचूंगी। अच्छा किया तुमने। पता है उसने क्या जवाब दिया? मैं सुनना नहीं चाहता। उसने कहा कि वो तब भी मेरा साथ देने को तैयार था जब मैं उसे प्यार नहीं करती थी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इस बात के लिए हंसूं या फिर रोऊं? नहीं, रोऊंगी तो मैं।